सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो ऊपर वाले का हाथ पकड़ के चलते हैं, उन्हें जमाने के सहारे कहाँ अच्छे लगते हैं। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। सुबह में कोई मेरा संदेश आए तो यूँ ना समझना मैंने आपको परेशान किया। इसका मतलब यह है आप वो इंसान हैं जिसे मैंने अपनी आंखें खुलते ही याद किया। आज का पंचांग 2023 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 4:08 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र शाम 5:45 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:32 से 5:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। तुला राशि 9 मई 2023 दिन मंगलवार, आप अभी पैसे या किसी काम में हानि से परेशान हो सकते हैं। यह नुकसान अस्थायी है, नए अवसर आपके इंतजार कर रहे हैं। विकल्पों को खोजें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप असहाय महसूस कर रहे हैं या चिंताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं तो अपने प्रियजनों से मिलें। आज अपने परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। विभिन्न तरीकों से आपकी रचनात्मकता लोगों तक पहुंचेगी। हर चीज की अधिकता भी अच्छी नहीं होती, इसलिए संतुलन बनाकर रखें। हमारी हार इसमें नहीं है कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते। आज के दिन अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और अपनी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बांटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप पिछले कुछ समय से आलसी महसूस कर रहे हैं और काफी सारा काम इकट्ठा हो गया है तो आज अपने अंदर असीमित ऊर्जा अनुभव करेंगे जिससे आपके ये अधूरे काम संतोषजनक ढंग से पूरे हो पाएंगे। कोई नया काम शुरू करने के स्थान पर पुरानी और व्यर्थ हो चुकी योजनाओं को हटाने और बाकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी समय उत्तम है। दिन का ज्यादातर वक्त सोशल एक्टिविटीज में बीतेगा। आपके अच्छे स्वभाव और पर्सनालिटी से लोग आपसे आकर्षित होंगे। थोड़ा वक्त धार्मिक स्थल पर बिताने से सुकून मिलेगा। पुरानी बातों का विचार न करते हुए वर्तमान को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है केवल इस बात पर ध्यान दें। आपकी परिस्थिति बदलने के लिए जिस क्षमता की जरूरत है वह आपके पास है। विश्वास की कमी की वजह से काम को अमल में लाना आपके लिए मुश्किल होगा। करियर संबंधित टारगेट को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करने की कोशिश करनी होगी। पार्टनर के स्वभाव का गलत फायदा उठाने की वजह से पार्टनर का सहयोग नहीं मिलेगा जो आपके लिए ही पछतावे का कारण बन सकता है। नींद पूरी न होने से थकान हो सकती है। पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका वर्चस्व बना रहेगा। दिन की शुरुआत में कुछ तनाव रह सकता है। निवेश संबंधित कामों में जल्दबाजी न करें, दूसरों के मामलों में दखलअंदाजी न करें। इससे आपके स्वाभिमान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। फोन के माध्यम से आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी। आज अचानक कोई असंभव कार्य पूरा हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय बर्बाद ना करें। भावुक होने के साथ साथ व्यवहारिक होना जरूरी है। ससुराल पक्ष से मधुर संबंध बनाए रखें। सावधानियां, योजना बनाकर काम पूरे करें। आलस और सुस्ती के कारण आपका रूटीन गड़बड़ा सकता है। कोई भी फैसला लेने में दिक्कत आ जाए तो अनुभवी लोगों की सलाह लें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार वालों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दोस्तों के साथ ज्यादा मेल मिलाप होने से आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए रिलेशनशिप में बंधने का समय आ चुका है।
अपने रूप में बदलाव करके आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसे अपने दिल का हाल अपने प्रिय साथी को बताने में आसानी होगी। ससुराल वालों की परेशानियां आपके निजी जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज आप अपने परिवार और विशेष लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपने आप को खुशी प्रदान करें। इन खुशियों को अच्छे से समेट लें, किंतु आवेश में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कसमकस की स्थिति में थे या आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था, तो आज आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। जिनका संबंध है वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण आप अपने रिश्ते को नए प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप पहले समर्पित होने के विरोध में थे तो आज इस तरह के पहल का स्वागत कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज आपको लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन क्षेत्रों को देखें जहां पहले आपने कार्य नहीं किया है। अन्वेषण आपके लिए आज महत्वपूर्ण रहेगा। आपको कुछ सार्थक मिल सकता है। अगर आप अपनी नौकरी स्थानांतरण की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन काफी खुश हो सकता है। आपको शीघ्र एक नए नौकरी या एक नए कार्यालय में भूमिका मिल सकती है। आपके ग्रहों के अनुसार यह समय नए करियर विकल्प या ताजे रिश्ते के लिए उपयुक्त है। आपके आसपास के लोग आपके काम को नोटिस कर रहे हैं और अपनी शक्ति और कमजोरी को अच्छे से पहचानते हैं। एक शांत समुद्र कभी भी आपको एक अच्छा नाविक नहीं बना सकता। आज आपके प्रयास मूल्य और दृढ़ संकल्प आपको एक अलग पहचान दिला रहे हैं। आप अपनी वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से बातचीत करने की हर कोशिश करेंगे और उन्हें अपनी सूझबूझ से प्रभावित करेंगे। आप आज नए चुनौतियों और अवसरों का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। कुछ बड़ा सोचें और करें, क्योंकि भाग्य आज आपके साथ है। ऑनलाइन होने वाले काम सावधानी से करें। आपकी कोशिशों से बिजनेस में सुधार होगा, नए फैसले भी होंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम में बहुत मेहनत से सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, प्रमोशन भी हो सकता है, ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा भारी और ठंडी चीजें खाने से बचें। गले की समस्या को नजरअंदाज ना करें। आज खूब शारीरिक मेहनत वाले काम करें। आपको बहुत जल्दी ऐसा कोई काम करने के लिए बुलाया जाएगा जिसमें इतनी शारीरिक स्टेमिना की जरूरत पड़ेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप में इतना स्टेमिना हो सकता है। आज थोड़ा कम खाएं, नहीं तो पेट की समस्याओं के साथ साथ और दिक्कतें भी हो सकती है। आपको तनाव को दूर भगाने के लिए सांस से जुड़े व्यायाम करने चाहिए। आज का उपाय, आशा हनुमान भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।